वीक 41 की बाग टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है, तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कलर्स के सभी 11 शोज ने कैसा परफॉर्म किया है। नंबर 11 पर आया है तब की प्यार की सीजन 2, जिसने हासिल किए हैं 0.6 रेटिंग पॉइंट्स। टाइम स्लोट की वजह से यह शो टीआरपी में अच्छा नहीं कर पाया। शो की रेटिंग्स में 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 10 पर आया है मोल की, जिसने हासिल किए हैं 0.9 रेटिंग पॉइंट्स। इस शो को भी 0.1 की गिरावट का सामना करना पड़ा है। नंबर 9 पर आया है बालिका वधू सीजन 2, जिसने हासिल किए हैं 1.0 रेटिंग पॉइंट्स। शो को प्राइम टाइम स्लोट मिला है, लेकिन फिर भी शो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस शो की रेटिंग में भी 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 8 पर आया है बैरिस्टर बाबू, जिसने भी हासिल किए हैं 1.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी अब टीआरपी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस शो की रेटिंग्स में भी 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 7 पर आया है थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, जिसने हासिल किए हैं 1.1 रेटिंग पॉइंट्स। इशिता दत्ता स्टारर इस शो की रेटिंग्स में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोई भी बदलाव नहीं आया। नंबर 6 पर आया है नीमा डेनजोंगपा, जिसने हासिल किए हैं 1.3 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो टीआरपी में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस हफ्ते 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 5 पर आया है छोटी सरदारनी, जिसने भी हासिल किए हैं 1.3 रेटिंग पॉइंट्स। इस शो को भी इस हफ्ते 0.1 की ही गिरावट का सामना करना पड़ा है। नंबर 4 पर आया है बिग बॉस 15, जिसने भी हासिल किए हैं 1.3 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते यह शो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। शो ने वीकडेज में 0.9 और वीकेंड्स में 1.7 रेटिंग्स हासिल किए हैं। नंबर 3 पर आया है डांस दीवाने, जिसने हासिल किए हैं 1.4 रेटिंग पॉइंट्स। डांस दीवाने सीजन 3 की रेटिंग्स में भी 0.1 की गिरावट आई है। नंबर 2 पर आया है ससुराल सिमर का सीजन 2, जिसने हासिल किए हैं 1.4 रेटिंग पॉइंट्स। इन दिनों इस शो की कहानी काफी अच्छी चल रही है। शो की रेटिंग्स भी काफी अच्छी आ रही है, जबकि शो का टाइम स्लोट अच्छा नहीं है। नंबर 1 पर आया है उड़ारिया, जिसने हासिल किए हैं 2.5 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो लगातार कलर्स का नंबर 1 शो बना हुआ है। शो बेहद ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये है वीक 41 की कलर्स टीवी की बाग टीआरपी। आपको इनमें से कौन सा शो पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।